नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। यादों के सफर में इस सीरीज को हमने जनवरी 2022 में शुरू किया था और बहुत सारे लोग आज भी इस सीरीज को बड़े प्यार से देखते हैं। जो कलाकार गुमशुदा हो चुके हैं उन्हें याद करके हम ये साबित करते हैं कि उन्हें आज भी लोग याद करते हैं, और इस सीरीज का यही मकसद है। आज हम ऐसी एक्ट्रेस को याद करने वाले हैं जो कमाल की खूबसूरत थी। नाम था उनका श्यामली, कुछ लोग श्यामली भी पुकारते हैं। श्यामली ऐसी अभिनेत्री थी जिसका फिल्मी सफर बहुत छोटा रहा, पर एक जमाना ऐसा भी था जब उनका नाम फिल्मी गलियारों में बड़े शान के साथ लिया जाता था। जी हाँ, क्योंकि वो मशहूर अभिनेता और फिल्मकार महमूद की बहू थी। अब आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। असल में श्यामली के कारण महमूद के परिवार में ऐसी घटनाएं हुई जिस वजह से उनका नाम 80 के दशक में छाया रहा। खैर, श्यामली का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ इस पर चर्चा करते हैं। असल में श्यामली का पूरा नाम श्यामली नाडकर्णी है, जो मराठी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिताजी जुहू के एक बैंक में काम किया करते थे। वहां महान गायक किशोर कुमार का खाता था, तो इसलिए किशोर कुमार हमेशा उस बैंक में आते जाते रहते थे। श्यामली के पिताजी से भी उनके अच्छे संबंध थे, तो एक दिन उन्होंने किशोर कुमार से अपनी बेटी को फिल्मों में एक मौका देने को कह दिया। किशोर कुमार ने श्यामली की मुलाकात विजय आनंद से करवाई, फिर विजय आनंद ने श्यामली को भीष्म कोहली के यहाँ भेज दिया। उस वक्त भीष्म कोहली दिल से मिले दिल फिल्म बना रहे थे, जिसमें वो खुद हीरो थे। श्यामली दिखने में अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने बतौर हीरोइन उन्हें कास्ट कर लिया। आपको बता दूं कि भीष्म कोहली को कुछ लोग विशाल आनंद भी कहते हैं। 4 अक्टूबर 2020 में ही उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। श्यामली के साथ फिल्म तो शुरू हुई, पर रिलीज करते करते 3-4 साल बीत गए। तब तक श्यामली ने दुल्हन वही, जो पिया मन भाए, दरवाजा, पल दो पल का साथ जैसी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार कर लिए। हालांकि दरवाजा जैसी बी ग्रेड हॉरर फिल्म के कारण उन्हें अच्छी पहचान मिली, और उसके बाद 1978 में दिल से मिले दिल फिल्म रिलीज हुई, जिसने सिनेमा घर में अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। इस फ्लॉप के चलते श्यामली को बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन कहा जाने लगा। इस बीच श्यामली से बहुत बड़ी गलती हो गई। फिल्मी करियर पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने महमूद के बेटे मसूद अली से 1979 के साल में शादी कर ली। इस रिश्ते से श्यामली के लोग बहुत नाखुश थे, पर फिर भी श्यामली ने उनसे शादी कर ली। इस शादी के तुरंत बाद उनका फिल्मी सफर भी कमजोर होने लगा। आने वाले 10 साल में उन्होंने सिर्फ 7 फिल्मों में काम किया, जिसमें दूर वादियों में कहीं फिल्म यादगार रही, क्योंकि इस फिल्म में खुद किशोर कुमार भी थे। आपको तो पता ही है कि महमूद का घरेलू जीवन बड़ा कष्टमय था। बच्चों के साथ उनका रिश्ता इतना कड़वाहट भरा था कि वे एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। कहा जाता है कि मसूद अली शराब और ड्रग्स का सेवन करने लगे थे, और इस काम में श्यामली भी उन्हें मदद करती थी। महमूद को खबर मिलते ही उन्होंने दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान को हंसाने वाले महमूद असली जिंदगी में बहुत परेशान रहते थे। श्यामली को लेकर हमेशा कहा जाता है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर कभी ध्यान नहीं दिया, और 1992 की लंबू दादा फिल्म करने के बाद वो एकदम से गायब हो गई। पर कुछ साल बाद लोगों को पता चला कि श्यामली गुमशुदा नहीं हुई है, बल्कि 90 का दशक शुरू होते ही उनका देहांत हो चुका था। अब उनका देहांत क्यों हुआ, इस पर कभी जांच पड़ताल हुई नहीं, बजाय इसके कि उनकी लाश घर में ही मिली थी। आज के दौर में मसूद अली बैंगलोर में एकांत में जीवन बिता रहे हैं। श्यामली से उन्हें 2 बच्चे भी हुए, मसीहा और माहिर। ये दोनों बैंगलोर में रेस्टोरेंट चलाते हैं। श्यामली को लेकर किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।